भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। जब असुरों का त्रास बढ़ गया था पूरी पृथ्वी पर, इतने असुर थे, सभी देवता त्राहिम माम हो गए थे और सभी असुरों को अंत करने के लिए भुवन के सभी विश्व के देवताओं ने साथ में मिलकर माँ भवानी की अरज की थी और अम्बा परम्बा जगदम्बा शक्ति महाशक्ति भवानी को कहा था कि माँ हम सबको दुख में से मुक्त करो। तब इस भवानी को सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी और इस भवानी ने असुरों के संहार के लिए रण मैदान में बहुत बड़ा युद्ध किया था। लेकिन हुआ था ऐसा, अम्बा परम्बा जगदम्बा भवानी युद्ध तो कर रही थी, दुष्टों का संहार भी कर रही थी, राक्षसों को मार रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कोई राक्षस मरे उसका रुधिर का बिंदु धरती पर गिरे, इसमें से सहस्त्र हजारों हजारों राक्षस इसमें से प्रकट होने लगते थे। इसलिए भवानी लड़ते लड़ते अब तो बहुत थक गई कि कहाँ तक मैं असुरों को मारती रहूंगी, थोड़ा सा रुधिर धरती पर गिरे और इसमें से हजारों शत्रु पैदा हो जाते हैं। अब इस भवानी में से भवानी ने काली का रूप लिया था और जो असुर को नाश करे उसका रुधिर पी जाती थी, उसके मुंड को गले में पहन लेती थी और उनके आंख पैर को अंग पर बांध लेती थी, एक भी अंग नीचे गिरने नहीं देती थी और रुधिर का एक भी बिंदु नीचे गिरने नहीं देती थी। पूरे असुरों का रुधिर पीने लगी। काली रण मैदान में भयंकर युद्ध कर रही थी, रुधिर पीते पीते असुरों को संहार करते करते काली नहीं रही, क्योंकि रुधिर पीती रही, कद बढ़ता ही रहा, तो काली नहीं रही, वो महाकाली हो गई। इतना भयंकर रूप हो गया, इतनी बड़ी हो गई कि पूरे आंख ये पूरी पृथ्वी पर घुमा सकती थी। ये काली नहीं, महाकाली का रूप कितना विराट है कि अपना आंख पूरी पृथ्वी पर घुमा सकती थी और एक पैर से पूरा पैर पूरी पृथ्वी पर लपेट सकती थी। एक कदम मुके तो दूसरा कदम, जहाँ पहला कदम है वहाँ उसका कदम पड़ता था, इतनी विराट महाकाली बनी थी। लेकिन इतने असुरों का रुधिर पी लिया, इतने असुरों की मुंडमाला पहन ली, इतने असुरों को हाथ पैर अंग पर पैर लिया और पूरी पृथ्वी पर गर्जना करने लगी, हुंकार करने लगी और इतनी तामस बन गई थी, अब तो देवताओं को भक्षण करने चली। तब देवता भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी को प्रार्थना की और भगवान शिव जी काली को वंश करने के लिए प्रथम काल बने और महाकाली को वश करने के लिए भगवान शंकर जी स्वयं महाकाल बने। तब महाकाली शांत हो गए, हुंकार करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि उसके अंग में तामस रुधिर है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो कि जलत पदार्थ लाओ। सभी देवता दूर दूर से जलत पदार्थ लाते गए, सिसु कांच आदि आदि बहुत सारे धातु इसको पिलाने लगे, महाकाली को पिलाने लगे। इतनी जलत धातु पीने लगी तो इस काली का छिद्र खुलने लगा, सभी छिद्रों पर धीरे 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 रुधिर बाहर निकलने लगा, पानी होकर रुधिर के रूप में पूरा अंग धीरे 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 छोटा होने लगा और महाकाली का रूप था। धातु पीते पीते, जलत पदार्थ पीते पीते ये महाकाली का रूप क्षीण होने लगा, धीरे 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 एकदम छोटा हो गया। छोटा होते 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 एक रति बाहर उसका रूप रहा, छोटा सा रूप रहा। तब शिव जी ने वरदान दिया कि हे शक्ति, हे महाशक्ति अम्बा, जगत कल्याण के लिए तू काली बनी, महाकाली बनी, भवानी बनी, अब क्षीण होते हुए तू रति बनी, अब आगे वाले युग में तू हिमालय की पुत्री पार्वती बनेगी, तब मैं तेरे साथ विवाह करूँगा। पार्वती, एक पार्वती भार रही, इसलिए नाम रहा पार्वती। बाद में पर्वत की पुत्री हुई तो पार्वती, पर्वत की पुत्री, गिरिजा, पहाड़ की पुत्री, ऐसे बहुत सारी अलग 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 ये भवानी पार्वती की कथा है।